स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस लक्स एंड फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लक्स गेव दिस कंसेप्ट इन 1939 एंड फ्लड एक्सटेंडेड दिस कंसेप्ट इन 1947। दिस कंसेप्ट इज बेनिफिशियल फॉर हाई टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट्स। जो सोल्ट हाई टेम्परेचर पर मोल्ट होते हैं, मेल्ट होते हैं, उनके लिए ये जो कंसेप्ट है ये यूज़फुल कंसेप्ट है। एसिड क्या होता है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्साइड आयन क्या होता है? ओ टू नेगेटिव आयन। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं ऑक्साइड एक्सेप्टर्स। बेस क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं ऑक्साइड आयन को, और उनको कह सकते हैं ऑक्साइड डोनर। फॉर एग्जाम्पल एसिड, एसिड क्या होगा? जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो कैसे बोलेंगे हम? एसिड प्लस ओ टू नेगेटिव आयन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेस। जैसे कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, उसमें ऑक्साइड आयन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सल्फेट आयन। सेकंड, बेस की क्या टेंडेंसी है? डोनेट करने की। तो बेस डोनेट करने के क्या बाद बना देगा? एसिड। बेस इन इक्विलिब्रियम विद एसिड प्लस ऑक्साइड आयन। यहाँ पे क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अपना ऑक्साइड आयन डोनेट कर देगा, तो क्या बनेगा? कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन, ओ टू नेगेटिव आयन। आपको पता है लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन क्या है? एसिड है, जो कैटाइन से वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो बेस से एसिड बन रहा है, एसिड से बेस बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है, जो सिलिका है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इनसे क्या बनेगा? सोल्ट। इसमें कैल्शियम का जो एक ऑक्साइड है ये सिलिका के पास चला गया, तो ये कैल्शियम सिलिकेट बन गया। अब एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस आपको पता होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। इसमें एसिड और बेस की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है? ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करना और डोनेट करना। फॉर एग्जाम्पल जो जिंक ऑक्साइड है, थायोसल्फेट आयन के साथ जब रिएक्ट करता है तो अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है, ऑक्साइड आयन इसको दे देता है, तो खुद क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? जेड एन टू पॉजिटिव और सल्फेट आयन में। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है उसने अपना ऑक्साइड दे के ये खुद जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है और अपना ऑक्साइड आयन थायोसल्फेट आयन को दे दिया है और सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है। दूसरे एग्जाम्पल में जिंक ऑक्साइड है वो क्या है? सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इस सिचुएशन में ये जो सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड, ये अपना ऑक्साइड आयन जिंक को दे देता है, तो क्या बनता है? सोडियम जिंसेट। ये जेड एन ओ टू टू नेगेटिव, इसको बोलते हैं जिंसेट आयन। तो एक बार जिंक ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक बार बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इन द सेम वे एल्यूमिना ए एल टू ओ थ्री, ये भी एम्फोटेरिक नेचर में होता है। इसने अपना ऑक्साइड दिया तो ये खुद Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और ऑक्साइड आयन में, तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। दूसरी सिचुएशन में ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है और एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और मेटा एल्यूमिनेट आयन बना रहा है। ये जो कंसेप्ट है इसको हम हैलाइड और सल्फाइड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल AlF3 प्लस NaF, तो इसमें क्या है? NaF किसकी तरह? डोनर की तरह बिहेव करता है, फ्लोराइड आयन को डोनेट कर देता है, यानी कि बेस की तरह, और AlF3 एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे क्या बनता है? Na3AlF6 सोल्ट बन जाता है, दोनों के मिक्सर से, एसिड बेस के मिक्सर से। इन द सेम वे सल्फाइड के केस में जो कार्बन डाइसल्फाइड है और सोडियम सल्फाइड है, उनके हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो जो सोडियम है अपना सल्फाइड इसको दे देगा, तो क्या बनेगा? Na2CS3। नेक्स्ट हमारा सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट। सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट वॉज गेन बाई कैडी एल्सले 1928। ये किस पे डिपेंड करता है? मोड ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ सोलवेंट। कोई भी जो सोलवेंट है वो आयनाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, जैसे H2O वीकली आयनाइज होता है, तो क्या बनाता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो ये क्या है? पॉजिटिव आयन कैटाइनिक स्पीसीज है, ये एनायनिक स्पीसीज है। तो जो सब्सटेंस जब सोलवेंट में डिजोल्व करने पे कैटाइनिक स्पीसीज को बढ़ावा देता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जो सब्सटेंस सोलवेंट में डिजोल्व करने के बाद एनायनिक स्पीसीज को बढ़ावा देगा वो क्या होगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल एसिड किसके कहेंगे?
द सब्सटेंस विच ईदर बाई डिसोसिएशन और बाई रिएक्शन विद सोलवेंट गिव्स कैटायनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द सोलवेंट. और बेस किसको कहेंगे, द सब्सटेंस विच ईदर बाई डिसोसिएशन और बाई रिएक्शन गिव एनायनिक करेक्टरिस्टिक टू द सोलवेंट. तो हमारा ये क्या है, वाटर. वाटर का आयनाइजेशन होगा तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे. लेकिन इसका साइज बिल्कुल छोटा है तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन. दो वाटर मॉलिक्यूल H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये है कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक का आयन, ये है एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक का. तो ये क्या है, एसिड आयन कह सकते हैं इसको, और इसको कहेंगे बेस आयन. अब जैसे HCl है, HCl को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन. H पॉजिटिव वाटर के साथ मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव. तो ये जो है HCl है, इसने क्या किया है, कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाया है. कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाने वाला क्या होता है, एसिड. तो ये क्या है, एसिड है. सेकेंड, मान लो ये आपका अमोनिया, अमोनिया सोलवेंट की तरह बिहेव करता है. तो अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन क्या क्या होता है, अमोनियम आयन प्लस अमाइड आयन. अमोनिया सेल्फ आयनाइज होके अमोनियम आयन बनाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस अमाइड आयन NH2 नेगेटिव. तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए, और अमाइड आयन एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हम इसको क्या मानते हैं, सोल्ट मानते हैं. लेकिन यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है, जब लिक्विड अमोनियम में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है. और NH4 पॉजिटिव क्या है, कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाता है अमोनिया की, लिक्विड अमोनिया में. तो लिक्विड अमोनिया के अंदर जो अमोनियम क्लोराइड है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है. इन द सेम वे पोटेशियम अमाइड लिक्विड अमोनिया में कौन से आयन फर्निश करता है, K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव. अब NH2 नेगेटिव क्या है, एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा रहा है. तो ये किसकी तरह है फिर, पोटेशियम अमाइड बेस की तरह बिहेव करता है. तो अमोनियम क्लोराइड लिक्विड अमोनिया में एसिड की तरह और पोटेशियम अमाइड लिक्विड अमोनिया में बेस की तरह. तो एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन से क्या बनेगा, एक सोल्ट और सोलवेंट जिसमें हम उसको डिजोल्व किए हैं, KCl प्लस अमोनिया. इन द सेम वे सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपका सोलवेंट है तो वो क्या क्या बनाएगा, SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव. तो ये सल्फर डाइऑक्साइड आयनाइज होके क्या बनाता है, SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव. ये वाली जो स्पीशीज़ है ये कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाली स्पीशीज एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब आपका थियोनाइल क्लोराइड है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कौन से आयन फर्निश करता है, SO2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव. तो अब ये SO2 पॉजिटिव आयन फर्निश कर रहा है तो ये कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. इन द डिफरेंट, दूसरा एग्जांपल लेंगे तो हम सोडियम सल्फाइड, उसको लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनाता है, 2Na पॉजिटिव SO3 2 नेगेटिव. तो ये क्या कर रहा है, एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा रहा है, यानी कि ये बेस आयन है. तो ये क्या है, बेस होगा इसमें सोडियम सल्फाइड. तो जो आपका एसिड और बेस की रिएक्शन होगी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, उससे क्या बनेगा, सोल्ट NaCl ये वाला, और आपका सोलवेंट SO2. अब आपका जो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है वो कैसे आयनाइज होता है, NO पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव. N2O4 ये क्या है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और इससे बनता क्या है, NO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन. ये कैटायनिक और एनायनिक आयन्स बनते हैं. अब NOCl है, लिक्विड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में क्या बनाएगा, NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा रहा है तो ये क्या है, एसिड. सोडियम नाइट्रेट है, Na पॉजिटिव नाइट्रेट आयन देता है तो ये एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा रहा है, यानी कि ये क्या है, बेस आयन है. तो सोडियम नाइट्रेट क्या रहेगा, बेस रहेगा. इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाएगा, सोल्ट और वो सोलवेंट जिसमें डिजोल्व किया है. इन द सेम वे H2SO4 जो है उसमें क्या होगा, H2SO4 से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा प्लस क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव. अब ये जो H पॉजिटिव है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाएगा, H प्लस प्लस H2SO4. तो फिर इससे स्पीसीज क्या बनेगी, H3SO4 पॉजिटिव. ये कैटायनिक स्पीसीज, एनायनिक स्पीसीज क्या रहेगी, एच
SO4 नेगेटिव। तो जो एसिटिक एसिड है उसको हम बोलते हैं एसिड, वाटर में वो एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराएंगे उसके साथ तो क्या बनता है, CH3COH2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, यानी कि ये क्या है एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो जो आपका एसिटिक एसिड है वाटर में एसिड की तरह बिहेव करता है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के तरह के साथ बेस की तरह बिहेव करता है। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। फॉर एग्जांपल हमने एक एसिड ले लिया HA, वो डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयन बना रहा है, तो जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है उसको क्या कहेंगे, डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हैं, ये वाले हैं प्रोडक्ट H पॉजिटिव A नेगेटिव, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। HA क्या है, अनडिसोशिएटेड एसिड। तो यहाँ पे KA यूज़ कर दिया गया है, KA यूज़ क्यों किया है, क्योंकि ये एसिड का डिसोशिएशन कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर KA की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि उसका मतलब क्या है, उतना ही ज़्यादा उसका क्या हुआ है, डिसोशिएशन हुआ है, और जितना ज़्यादा डिसोशिएशन हुआ है इसका मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो KA ज़्यादा रहेगा तो आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर एक और पैरामीटर है एसिड की स्ट्रेंथ को मापने का, वो क्या है, PKa। PKa क्या होता है, नेगेटिव लॉग KA, ये जो KA वैल्यू आता है इसका नेगेटिव लॉगरिथम कर देते हैं तो वो PKa वैल्यू बन जाती है। इसको सिंपलीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन लॉग KA, नेगेटिव साइन हटाने के लिए। तो PKa के साथ क्या कनेक्शन रहेगा, PKa जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उनके लिए PKa की वैल्यू नेगेटिव होती है, और वीक एसिड के लिए वो वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब पॉलीप्रोटिक एसिड हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उससे क्या बनता है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो ये एक डिसोशिएशन कांस्टेंट हो गया इस स्टेप के लिए। फिर दूसरा ये स्टेप है फिर से डिसोशिएशन कांस्टेंट, उसके लिए क्या हुआ, KA2। तो जो KA1 की वैल्यू है वो हमेशा KA2 से कहीं ज़्यादा रहेगी। इन द सेम वे फॉस्फोरिक एसिड क्या है, उसमें 3 प्रोटोन्स हैं तो उसका जो KA3 है वो KA2 से भी बहुत कम रहेगा। इन द सेम वे बेस ले लिया, मान लो आपने MOH, तो M पॉजिटिव OH नेगेटिव उससे आयन बन गए, तो डिसोशिएशन कांस्टेंट कैसे होगा, वही प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई अपॉन रिएक्टेंट की, तो MH पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अपॉन MOH की कंसंट्रेशन, तो ये क्या होगा, डिसोशिएशन कांस्टेंट। और B क्यों लिखा, क्योंकि वो बेस का डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो यहाँ पे अगर KB की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो एसिड क्या रहे, बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेस को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर क्या है इसका, PKB, वो इन द सेम वे नेगेटिव लॉग ऑफ KB, और उसको यू कह सकते हैं 1/log KB। तो जो PKB वैल्यू है अगर जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस रहेगा, PKB वैल्यू बढ़ती जाएगी आपका बेस वीक होता चला जाएगा। अब हम करते हैं जनरल ट्रेंड इन एसिड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड अलोंग द पीरियड, यानी कि अलोंग द पीरियड हाइड्रोजन आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो एसिड की स्ट्रेंथ कैसे बदलती है। तो अलोंग द पीरियड एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, फॉर एग्जांपल CH4, मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF, ये तो हम एसिड जानते हैं, इसको हम बेस जानते हैं, तो ये एसिड की स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ती जा रही है। उसका बढ़ने का रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उन एटम की जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है उनकी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन से दूर हैं, तो H पॉजिटिव आसानी से निकल जाता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। इन द सेम वे अगर हम निचले ग्रुप में देखेंगे, निचले पीरियड में देखेंगे PH3, फिर H2S और HCl, तो यही ऑर्डर है स्ट्रेंथ का कि सबसे ज़्यादा HCl है, फिर H2S की बेसिक स्ट्रेंथ है, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ है, फिर PH3 है, तो बेसिक कंसिडर होता है PH3 एक तरह से। तो वही रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन की सल्फर से, फिर सल्फर से सल्फर की ज़्यादा है फॉस्फोरस की, तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ ज़्यादा लाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और H पॉजिटिव आयन आसानी से निकल सकता है। तो अलोंग द पीरियड जो एसिड्स होंगे हाइड्रो एसिड उनका स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।